हेलो भाई, चलो देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहाँ पर मोमेंटअप कर सकता है, और आज हमने का क्या प्लान किया था कल के लिए, और आज कैसे मार्केट में वर्कआउट होगा, ये सारी चीजों को देखेंगे समझेंगे, फिर मार्केट को ट्रेंडिंग कैसे हुआ और क्या क्या चीजें हमने प्लान करके रखी थी वो भी चीजों को देखेंगे, और कल क्या हो सकता है इसके बारे में कुछ चीजें देखने की कोशिश करेंगे। चलो चलते 15 मिनट पे चार्ट पे। अगर 15 मिनट पे चार्ट पे चलते हो तो आपको मैंने क्लियरली चीजें समझा के रखी थी कि अगर हम मार्केट को तभी सेल करेंगे जब मार्केट 35,900 के नीचे ट्रेड करेगा। अगर हम यहाँ पर देखते हो तो 35,900 के नीचे मार्केट कभी गया ही नहीं है, उसके वापस जब ऊपर चला गया। एंड मैंने एक्जैक्टली आपको यही पर ये लेवल के, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो तो, अगर नहीं भी ज्वाइन हो तो फटाफट करके ज्वाइन करके रखो, ताकि मैंने आपको यही पर जैसे ही मार्केट बॉटम के पास आया था मैंने आपको बोला था कि मार्केट को बाय करने के लिए बोला था, मैंने कॉल बाय करने के लिए दिया था, मैंने दिया था 35,800 का कॉल, मैंने बाय करने के लिए दिया था 800-900 के कॉल को बाय करने के लिए दिया था। एंड मैंने आपको बोला था कि टारगेट थोड़ा सा ओपन रखना, बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड मैंने जैसे आपको बताने के बाद मार्केट जैसे ऊपर चलने लगा, आपका कॉल 100-150 से लेकर ये कॉल चला गया 700 के आसपास का, इसने हाई लगा रखा है, इतना बड़ा प्रॉफिट हमने कमा लिया। मार्केट में पैसा हमेशा बनता है, बस मार्केट को हमें समझना पड़ता है। तो कल का प्लान था उसी तरीके से मार्केट ने परफेक्टली वर्क किया, एंड देन पैसा बनता है। बस पैसा बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, हमेशा आपको बस समझना होता है और सीखना होता है, प्रॉपर तरीके से देखो समझो, फिर आपको पैसा हमेशा बनता रहेगा। कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, कल के लिए प्लान सिंपल सा है, ज्यादा कोई देखने की जरूरत नहीं है। मार्केट अभी फिलहाल ऊपर जा रहा है, बस कल अगर मार्केट 36,500 को क्रॉस कर जाता है तो आपको इजीली मार्केट को बाय करके जा सकते हो। जैसे ही बाय करेगा एक अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज आपको मैं ये वीडियो पहले ही बना के रखा हूँ, 5 बजे वीडियो पहले ही रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बस आपको थोड़ा सा लेट मिल रहा होगा वीडियो, बिकॉज ऑफ द पावर फेल्योर होने की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, इसकी वजह से वीडियो पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है 5 बजे, लेकिन पावर फेल्योर है इसके लिए थोड़ा सा डिले हुआ है। आप भी अगर हम फिलहाल देखते हैं, कल अगर मार्केट बस 36,500 को क्रॉस कर जाता तो हम इजीली बाय करेंगे ना, टारगेट लेके चलेंगे 36,700, 36,800 तक का भी टारगेट लेके जा सकते हैं। एंड मुझे थोड़ा सा मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर हम बार बार देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर भी नीचे जाने की कोशिश किया लेकिन वापस ऊपर चला है, वापस नीचे जाने की कोशिश किया लेकिन वापस ऊपर आया, मतलब कहीं ना कहीं बायर एक्टिव होने की कोशिश हो रही है, मार्केट में सेलर की पावर कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, एंड बाइंग हैपनिंग थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है मार्केट में। जब तक मार्केट अभी वापस, आपको ये ट्रेंड लाइन भी दिख रहा होगा, ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका होगा, तो अगर ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक हो जाता है तो मार्केट एक अपसाइड में मोमेंटम, बहुत अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है हमें। तो बस हमें मार्केट को फॉलो करके जाना है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है आपको, बस मार्केट को फॉलो करो, पैसा बनने लगेगा। प्रॉपर प्लान होना चाहिए आपका कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कल आपको प्लान बता दिया था, प्रॉपर तरीके से वर्क किया। अगर कल मार्केट आपको गैप डाउन मिल जाता है, मतलब 36,200 के आसपास तक भी मार्केट मिल जाता है, तो आप इजीली यहाँ पर भी मार्केट को बाय कर सकते हो, क्योंकि मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, मतलब थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो और भी आपको सस्ते में मिलेगा, एंड ये वापस कंटिन्यूशन में जा सकता है। तो ये टारगेट आप लेके मार्केट को कल यहाँ पर आप मार्केट को बाय करके ऊपर का वापस सेम टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट गैप डाउन ऊपर, सॉरी गैप ओवर हो जाता है तो क्या हो सकता है, अगर मार्केट का थोड़ा बहुत ज्यादा गैप ओवर हो जाएगा तो ये भी जो लोगों ने मार्केट को बाय करके गए होंगे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, एंड थोड़ा सा मार्केट नीचे आने के बाद वापस यहाँ से रिवर्सल कुछ दिखा के आपको वापस से मार्केट ऊपर लेके जाएगा, एंड आप यहाँ से इजिली पैसा कमा लोगे। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, दैट इज अ मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट को सीखो, मार्केट को समझो, फिर जाकर ट्रेड करने की कोशिश करते रहो हमेशा। आज मैंने जैसा प्लान बना के रखा काम करता है, हर दिन प्लान करता है। आप अगर पिछले वीडियोस खोल के देखोगे तो सारे वीडियोस में आपको दिखेगा कि प्लान हमेशा काम कर रहा है, मतलब इसका ये नहीं हुआ कि मैं सारी चीज को समझ पा रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है क्या मैं जो मार्केट में प्लान कर रहा हूँ, जो मार्केट में मैंने प्लान किया था कि 35,900 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो ही मैं सेल करूंगा, इसके ऊपर मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिशनेस दिख रहा है, तो मार्केट ने सेम वहां पर बुलिशनेस किया एंड हमने पैसा कमा लिया। इसी तरीके से आपको समझना है एंड हमें यहाँ पर ट्रेड करना है। चलो निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी का भी बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट रहती है सर निफ्टी के बारे में बता दो। अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी को आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी को मैंने कल भी बोला था आपको सेम कि निफ्टी अगर ये लेवल के नीचे अगर ऊपर रहता है तो कहीं ना कहीं हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो गैप्स वगैरह सारे पड़े वो सारी चीजें कवर होती जाएगी। अगर हम देखेंगे तो ये सारा एक जो बड़ा जोन है ना, ये जोन के अंदर एक वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुकी थी, लेकिन अब हम यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े से ऊपर लेवल की जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर लेवल पे जाकर कोशिश कर रहे हैं क्लोजिंग करने की। अगर मार्केट ये लेवल के ऊपर, मतलब अभी अगर हम कल के लिए प्लान करेंगे तो कल जैसे मार्केट अभी थोड़ा सा नीचे आ चुका है, अगर मार्केट यहीं पर ओपन होता है फ्लैट तो आप इजीली इसको बाय करके जा सकते हो। ये वापस आपका ये हाई आपका टारगेट हो जाना चाहिए, 37,320 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए, एंड उसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो और भी बड़ा टारगेट हम इजिली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी तो कहीं ना कहीं बुलिशनेस दिखा रहा है हमें, बस हमें उसको फॉलो करके चलना है। बस आपको मार्केट को समझना है, ट्रेड करते समय कैसा प्लान होना चाहिए समझना है। मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का दिखा देता हूँ कि लोग मैंने आपको क्या क्या चीजें बता के रखी थी एंड किस तरीके से पैसा बना है।
यहाँ पर आपके सामने पड़ा है, आपको दिख रहा होगा कि क्लियर के कैसी कैसी चीजें दिखा रखी थी और कैसे कैसे इसका रिजल्ट आया, ये आपके सामने अभी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लो, मैंने यहाँ पर बोला था क्लियरली, यहाँ पर आप चीजें अगर देखते हो तो 35,800 का मैंने कॉल बाय करने के लिए दिया था। एंड जैसे ही कॉल बाय करने के लिए दिया था, मैंने यहाँ पर दिखाया था कि मैं यहाँ पर कहाँ पर बाय करूँ, ये जो चीजें मैंने बता दी थी। मैंने बोला था ओनली 30 पॉइंट कैसे लगाने, उससे ज्यादा आपको लगाने की जरूरत भी नहीं है। फिर वापस उसके बाद जाने के बाद ये 10 बजकर, मैंने आपको 10:51 की बोला था बाय करने के लिए, सॉरी एसएल डालने के लिए बोला था 10:52 पे। आप देखोगे तो 45 पॉइंट का प्रॉफिट भी बन चुका था। फिर उसके बाद भी मार्केट और भी ऊपर जाने लगा, फिर 50 पॉइंट का प्रॉफिट बना। अगर हम वापस से अगर नीचे की साइड में मार्केट देखते हो तो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट बनने लगे थे। जैसे जैसे वापस मार्केट जाने लगा तो देखने लगे 300, 325 का हाई भी लगा, तो बहुत बड़ा पैसा बना। फिर पैसा बनने लगा तो मैंने मैसेज को अपडेट करते लगा और बताने लगा कि आप इस पैसे बनाते चले जाओ, पैसा बनने के लिए रेडी है। यहाँ पर आप देखो तो 120 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ तक बन चुका था 12 बजे के बाद। उसके बाद भी मार्केट ऊपर जाता रहा तो आप भी वहां पर भी पैसे कमा लिए। तो बस पैसा बनता है हमेशा, बस पैसा बनाने वाला चाहिए। और फिर मैंने उसके बाद जाकर 12:50 पे बोला था कि बस पोजीशन को निकाल दो, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि आप यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। अगर आप कॉल बाय करके बैठे हो तो यहाँ से पोजीशन को निकालना ही सबसे बेटर रहता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड मार्केट को समझ रहे हो तभी जाकर यहाँ पर पैसा बनने वाला है। मार्केट का मोमेंटम का समझो, मार्केट का फील करो, मार्केट को सेंटिमेंट को समझो, फिर जाकर ट्रेड करने की कोशिश करो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।